आज मैं बनाऊंगी कटहल के कोफ्ते। कोफ्ते तो आप कई बार बनाए होंगे, पर आप आज मेरे तरीके से बनाइए। मैं इसमें एक सीक्रेट डालूंगी जिससे ये रेसिपी बहुत ही यूनिक, डिलीशियस, टेस्टी बनेगी। बिना देर किए चलिए बनाते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीना। मैं आपका शबीना जी के किचन में वेलकम करती हूँ। सबसे पहले हम कटहल को धो के अच्छी तरह से कुकर में उबालेंगे। इसमें हम 2 गिलास पानी, हल्दी, नमक डालकर लगभग 2 से 3 सीटी लगा लेंगे। अक्सर लोग आलू डालकर बनाते हैं, पर मैं बिना आलू के बनाऊंगी। तो लीजिए, कटहल को उबाल लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गल चुका है। अब हमें कटहल के बीजों का छिलका उतार लेना है। छिलका बहुत टाइट होता है, उसे हम निकाल लेंगे। ये बड़ी आसानी से निकल आता है। आप बीज निकाल के अलग मत करना, क्योंकि बीज से ये कोफ्ता बहुत टेस्टी बनेगा। ये देखिए छिलका उतार लिया है। अब हम इसे हाथों से मसल लेंगे। अगर हाथ से आपको दिक्कत है तो आप इसे ऐसे चम्मच से मसल लें। चम्मच से हमें सिर्फ बीज को मसलना है, कटहल को नहीं। हमें ज्यादा बारीक नहीं करना है, वरना कटहल कटहल नहीं, आलू की तरह टेस्ट लगेगा कटहल का। देखिए हमने मसल लिया है। कटहल के रेशे बाकी रहना चाहिए। अब इसमें हम हरी धनिया और कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। 1/2 कप बेसन डालेंगे, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 पिंच हींग को डालकर इन सभी को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। आपको जितनी बड़ी या छोटी रखना है अपने हिसाब से बॉल्स बना लीजिए। ये देखिए हम इस तरह से बनाएंगे। चलिए तो हम सारी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। लीजिए बॉल्स बना के तैयार कर ली है। इसे हम साइड करेंगे। ग्रेवी के लिए हम मसाला तैयार करेंगे। 2 टमाटर लिए हैं हमने, 3 मीडियम साइज प्याज, 2 हरी मिर्च, 1 टुकड़ा अदरक का, 7 से 8 लहसुन की कली ली है। इन सभी को हम काट लेंगे। सारे कटे हुए मसाले में दालचीनी के कुछ टुकड़े डालेंगे और साथ में हम 1 चम्मच जीरा डालकर इन सभी मसालों को पीस लेंगे। कोफ्ते फ्राई करने के लिए मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। तेल गर्म हो जाने पर हम एक एक करके सारे कोफ्ते की बॉल्स तेल में डाल देंगे। कोफ्ते को हम उलट पलट करके फ्राई करेंगे। शुरू में हम इसे बिल्कुल नहीं छुएंगे। 1 मिनट बाद इन्हें हम उलट पलट करेंगे। कोफ्ते हल्के हल्के सिक गए हैं, लेकिन हम इनको ज्यादा देर तक फ्राई करेंगे ताकि जब ग्रेवी में हम कोफ्ते डालें तो जाते ही ये बिखर ना जाए। ये देखिए हमें कोफ्ते इतना ही फ्राई करना है। इन्हें हम तेल से निकाल लेंगे। कोफ्ते के लिए ग्रेवी हम इसी तेल में बनाएंगे, तो हम तेल को थोड़ा कम करेंगे। तड़के में हम जीरा, कड़ी पत्ता, प्याज का तड़का लगाएंगे, पर प्याज को हमें ज्यादा नहीं तलना है। हल्की फ्राई होने पर हम इसमें पिसा हुआ मसाला अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच पिसा गरम मसाला पाउडर डालकर मसालों को हम 1 से 2 मिनट तक चम्मच चलाते हुए भूनेंगे। फिर हम लो फ्लेम करके इसे ढक के पकने देंगे। एक सीक्रेट चीज हम ग्रेवी में डालेंगे जिससे ग्रेवी का टेस्ट इतना बढ़ जाएगा जैसे आप किसी महंगे होटल में कोफ्ते खा रहे हो। 1 कटोरी में 2 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर डालकर घोल तैयार कर लेंगे। ये सीक्रेट है सालन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए। जैसे हम सालन के टेस्ट को बढ़ाने के लिए क्रीम डालते हैं, मलाई डालते हैं, उसी तरह हम मलाई और क्रीम नहीं डालेंगे बल्कि हम मिल्क पाउडर डालेंगे। आप एक बार इसे ट्राई करके देख लीजिए।
लीजिए, मसाला भी अच्छे तरह पक चुका है। इसमें एक गिलास पानी डालकर ग्रेवी तैयार करेंगे। पानी आप अपने हिसाब से डालें, आपको जितनी ग्रेवी थिक रखना है आप उतना ही मसाले में पानी डालें। टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक को अच्छी तरह मिक्स करना है। जैसे ही ग्रेवी में एक खोल आ जाए तो हम इसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते डालकर हमें सिर्फ आधा मिनट ही पकाना है, वरना ग्रेवी का सारा तीरा कोफ्ते चूस लेंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर का घोल डालेंगे। यकीन मानिए ये कोफ्ते लाजवाब बनेंगे, बहुत ही टेस्टी और खुशबू तो इसकी बहुत अच्छी आ रही है। आप एक नहीं दो चार रोटी एक साथ खा लेंगे और आपको ये नहीं लगेगा कि आप कटहल का कोफ्ता खा रहे हैं या मटन का। मटन कोफ्ते को टक्कर देगा ये कोफ्ता। ऊपर से धनिया पत्ती डालकर इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए कोफ्ते ऐसे हैं किसी के भी मुंह में पानी आ जाए, खाए बिना नहीं रह सकता। और जो मटन के शौकीन हैं उनके लिए तो ये रेसिपी बहुत ही अच्छी है। सब्जी की भी कमी पूरी हो जाए और मटन का भी शौक उनका पूरा हो जाए, क्योंकि सब्जी खाना भी जरूरी है। अगर सेहत अच्छी रखना है तो हर तरह का खाना खाना चाहिए। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहो।